सालों से खड़े ये मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ टीले, टीलों के बीच कंटीले जंगल और जंगलों से होकर गुजरता भूल भुलैया जैसा रास्ता, हमें मंजिल का पता नहीं था, बस हम चले जा रहे थे। उस चंबल में जिसका बस नाम भर ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है, आड़े टेढ़े और खतरनाक रास्तों पर घंटों पैदल चलने के बाद आखिर हम उस शख्स के सामने पहुंच ही गए जिसके लिए तमाम तकलीफें उठाई थी। मगर उसे देखकर एक बार भी हमें यकीन ही नहीं हुआ कि यही वो शख्स है जिसके सर की कीमत सरकार ने 2.5 लाख रुपए रखी है। हमेशा हथियारों के साये और वफादार साथियों के झुंड के बीच घिरा रहने वाला मस्त निर्भय सिंह गुज्जर तन्हा और उदास था। आज तो श्याम ने ही इतनी बड़ी गद्दारी की है कि अपनी माँ को ही लेके भागा, अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं भागा, ये केवल मुझे दुख है। उनके पिताजी ने बचपन से पाला, पकड़ती जब है, जब उनने उनका नमक नहीं नवा पाया, खून की तरह बहा दिया, जब उनके नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। पिछले 20 सालों से चंबल को बिस्तर और बंदूक को चादर बनाकर ओढ़ने वाला निर्भय सिंह गुज्जर फिलहाल बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं होने देता। दरअसल हमेशा दूसरों को लूटने वाला गुज्जर खुद ही लूट गया है। उसे लूटने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वो बेटा है जिसे उसने गोद लिया था। ये बेटा गुज्जर की बीवी यानी अपनी माँ को ही लूट कर फरार हो गया, और इसी चीज ने न सिर्फ गुज्जर को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है बल्कि उसे खूंखार भी बना दिया है। हालांकि फरारी के बाद निर्भय के डर से उसके बेटे और बीवी ने इटावा में पिछले हफ्ते सरेंडर भी कर दिया, मगर निर्भय का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। मेरे श्याम का मुझे धोखे के दौलत भी ले गया, औरत भी ले गया, मुझे कोई इस बात का बो नहीं कि मेरे श्याम की जान भी फिर भी बची। बेटे और बीवी की बेवफाई के बाद अब गुज्जर का अपने साथियों तक पर से भरोसा उठ गया है। यही वजह है कि वो ना सिर्फ अकेला हो गया है बल्कि उसे हर रोज नए ठिकाने की तलाश में भागना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस की दबिश भी इधर तेज हो गई है। हालांकि निर्भय की अब भी चुनौती है कि पुलिस कभी उसकी गर्द भी नहीं पा सकती। जब कारतूसों की मुझे जरूरत पड़ती है तो ऐसा तो है कि पुलिस भी मुझे दे देती है, और मान ले हम खुद पे मंगा लेते हैं बिचौलिया लोगों से, तो कहीं सेटिंग मैंने बताई वहां से पे ले लेते हैं। खुद के लुट जाने से उदास निर्भय ने इधर जमकर शराब पीना शुरू कर दिया। वो अपना गम शराब से गलत करने की कोशिश करता है। उसने इधर खाना पीना भी करीब करीब छोड़ रखा है। आलम यह है कि अपनों के दिए जख्म से यह संगदिल डाकू भी रो पड़ता है। निर्भय बेटे और बीवी की बेवफाई का बदला अब दूसरों से लेना चाहता है। जीवन में ही मैं अगर बागपन में करता हूं तो 25 दिन के अलावा मैं अपराध अपने साथ नहीं रखूंगा, तुरंत गोली ही मारूंगा। निर्भय ने लोगों और पुलिस को सबक सिखाने के लिए बेहमई से भी बड़ी वारदात करने की भी धमकी दी। गौरतलब है कि बेहमई कांड में फूलन देवी ने एक साथ 22 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया था। अगर प्रशासन मेरे पीछे पड़ा ही रहा तो कम से कम बेहमई अस्ता से ही ज्यादा ही कांड करते रहेंगे। अब हम अगर वो शांत बैठे हैं तो मैं बहुत जल्दी से जल्दी सरेंडर हो सकता हूँ। अगर मेरे पीछे पड़ेंगे तो पुलिस की ताकत नहीं है जो निर्भय सिंह को दाब लें। निर्भय गुज्जर के खौफनाक कारनामों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के लिए उसकी किसी भी धमकी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। 70 डाकुओं की फौज और AK-47 और AK-56 राइफल समेत अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहने वाला निर्भय हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होता है। उसके पास कई सौ मीटर तक देखने वाली दूरबीनें हैं। निर्भय को गुमान है कि जीते जी वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लग सकता, मगर इसके बावजूद अब वो चंबल के पथरीले रास्तों से थक गया है, इसलिए अपने साथियों के साथ समर्पण करना चाहता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आत्मसमर्पण का मैं करने को तो तैयार हूँ, अगर होंगे तो मुलायम सिंह सरकार में ही होंगे, और जे अगर मुलायम सिंह मुझे सरेंडर नहीं करवाते हैं तो ऐसे ही जंगल में हम बने रहेंगे। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। जेल से टिकट मिले। निर्भय भी दरअसल फूलन की डगर पर चलना चाहता है। उसकी ख्वाहिश चंबल से निकलकर संसद पहुंचने की है।
चंबल के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में अगर एक बार आप भटक गए तो यकीन मानिए यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन जानते हैं इन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर फूलन देवी संसद तक पहुंची थी। बरसों से चंबल की भूल भुलैया में भटक रहे निर्भय सिंह को भी उम्मीद है कि उसकी मंजिल जेल नहीं संसद है। आखिर राजनीति और बागीपन में कुछ भी असंभव नहीं है। निर्भय के भी चंबल पहुंचने की कहानी वही पुरानी है और अय्या जिले के गंगादासपुर गांव का रहने वाला निर्भय भी पुलिस की ज्यादती का शिकार हुआ और सीधे चंबल पहुंच गया। चंबल में निर्भय ने कुल 3 शादियां की। मुझे क्या दुख नहीं है, मुझे क्या परिवार का दुख नहीं है कि कहने के बाद कोई त्योहार आता है जैसे रक्षाबंधन आई, क्या मुझे बहनों की याद नहीं आती क्या? शुरुआत में लालाराम जैसे बड़े डाकुओं के गैंग में रहने के बाद करीब 15 साल पहले उसने अपना खुद का गैंग बना लिया। निर्भय पर इस वक्त हत्या, लूट और डकैती के सैकड़ों मामले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। बकौल निर्भय पिछले 10 साल से वो लगातार नेताओं के संपर्क में है। चुनावों के दौरान उसने कई राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार भी किया। मान ली जनता में अच्छा व्यवहार अनुभव है तो जनता से कहा कि बेटा अगर यहाँ इस पार्टी में आप वोट दे हो तो हो सकता है कि मेरे आगे भविष्य संभल जाए, इस पार्टी को जिताओ आप। बहरहाल अब चंबल की फिजा में निर्भय गुजर के आत्मसमर्पण की चर्चा जोरों पर है। लेकिन सवाल ये है कि हाल तक उसकी मदद लेते रहे सियासी लोग क्या निर्भय को सरेंडर करने देंगे?